हरि ओम चंद्रमा शुभ जाता श्री धूपी नैवेद्यम दर्शयाम श्री शिलान्यासेभ्यो नमः। अब अपना जब सगला बिखराई नहीं सब पे पंडित मोदी जी का मल्लार्पण द्वारा स्वागत करें। उद्धव द्विवेदी जी, आरएएस के कार्यपालन यंत्री महोदय, एडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी, सभी सरपंच जनपद सदस्य, आजीविका मिशन से प्रभारी माताओं का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद का यात्री प्रतीक्षालय का शिलान्यास समारोह जिसकी लागत 2.5 लाख रुपए प्रत्येक यात्री पवन कड़ियार सुनवर्षा पहाड़ी घुघरा हटवा देवात हटवा खास उदौरा बांकी चितवरिया घुतारी राजगढ़। सभी से मिलते हुए भूमि पूजन स्थल पर हमारे पुरोहित श्री गणेश पाठक जी तैयार है और जितनी उपस्थिति होती थी उसके हिसाब से कहीं न कहीं थोड़ा अव्यवस्था होने की वजह से हमने ये पूजनीय पिताजी के मार्गदर्शन में बहुत पहले से ये संकल्प लिया था कि नहीं इसको बहुत अच्छा करेंगे और आप सबके आशीर्वाद से ये मौका मिला कि हम इसको ठीक करने की दिशा में इसको और सुव्यवस्थित करने की दिशा में कुछ कर पाए और जिसका आज यहाँ पर लोकार्पण का शिलान्यास का कार्यक्रम भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है और इसकी लगभग लागत 55 लाख में बनेगा और इसके साथ ही साथ यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र की लगभग सभी ग्राम पंचायतों ने हमारा प्रतीक्षालय का 22 प्रतीक्षालय जो ग्राम पंचायतों का आज यहाँ पे शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। अगर ये सब काम करने का मौका मिला है तो ये सिर्फ और सिर्फ आप सबके आशीर्वाद और आप सबके मार्गदर्शन से संभव हो पाया है, पूज्य पिता जी के आशीर्वाद से संभव हो पाया है और हमने बहुत सारी सड़कें भी स्वीकृत कराई है, आदरणीय हमारे ईसा तिवारी जी ने आपको बताया है और भी बहुत सारे निरंतर जो भी अधूरे काम है और जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोई टोला मजरा विद्युत विहीन नहीं रहे, कोई टोला मजरा सड़क विहीन नहीं रहे, कुल पुलिया विहीन नहीं रहे, कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत भवन विहीन नहीं रहे। इस तरह का सरकार की तरफ से प्रयास है, विभाग की तरफ से प्रयास है कि अच्छा से अच्छा काम करके मध्य प्रदेश के ग्रामों में रहने वाले जो लोग हैं उनको सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, इस तरह का पूरा प्रयास है। वे जाते हैं और वहां पे जब हम लोगों को प्रॉपर चबूतरा वगैरह या वो नहीं होता, शमशान घाट नहीं होता है और कितनी परेशानी होती है, किस तरह से हम लोग उतर के जाते हैं, तो सार्वजनिक हित में हमने हमारे मन में था कि जब भी मौका मिलेगा, हमने तो विधायक मत से भी कोशिश किया था, तो हमारे मन में था कि हम इसको जरूर व्यवस्थित करेंगे। तो शांति धाम के लिए भी हमने दढ़िया और करौली कला जो नदी के किनारे बनेगा, ये हम समझते हैं कि ये हमारे पूरे इलाके के लोग कई बार सभी गांवों के भी कई बार लेके जाते हैं कि नहीं हमको तो सोन नदी में ही अंतिम संस्कार करना है, तो ये हम समझते हैं सार्वजनिक काम था और भी इसमें और क्या आगे सुधार हो सकता है वो जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप भी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे।